तुर्की के शहर इस्तांबुल में यूक्रेन एनजीओ में मौजूद हूँ। ये एनजीओ एक बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाने के लिए जा रही है जिसका नाम है वी आर आर मरियम्स। मरियम अलैहिस्सलाम को आप सब लोग जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है और इनके ऊपर जितना जुल्म किया गया, इनके बेटे को जितना सताया गया, आज अलकुदस में वही कुछ अलकुदस में रहने वाली फलस्तीनी औरतों और उनके बच्चों के साथ हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि ईसाई ये भूल गए, हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स ये भूल गए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इनके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सताया और उनकी माँ के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। इन्होंने उन्हें उनकी जगह से निकालने की कोशिश की, अलकुदस को उनसे छीनने की कोशिश की, और आज इसराइली एग्जैक्टली यही कुछ वहां मौजूद रहने वाली औरतों और उनके बच्चों के साथ कर रहे हैं। उन्हें उनकी अपनी सरजमीन में रहने की इजाजत नहीं दी जा रही, उन्हें अपने अपने मुल्क से निकाला जा रहा है, उनके बच्चों के ऊपर, उनकी औलाद के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा है। तो इस वक्त ये तंजीम वी आर आल मरियम्स के नाम से जो कंपेन चला रही है, इसका मकसद दुनिया को उन मजालिम से आगाह करना है जो मरियम अलैहिस्सलाम पर पहले किए गए और आज उन जैसी दूसरी औरतों पर किए जा रहे हैं, और जो उन जैसी साख में है, अगरचे उनका मर्तबा वो नहीं है मगर उन्हीं की औलादें हैं वो सारी की सारी। इसी तरीके से बच्चों को तबाह किया जा रहा है। तो ये लोग चाहते हैं कि हम सब लोग, पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के लोग वी आर आल मरियम्स में, इस कंपेन में इनका साथ दें और औरतों के हकूक के लिए, औरतों और बच्चों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाए और इनका साथ दें। और मैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब इनका साथ दें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से अपने तालुन की आप सबको मुकम्मल यकीन दहानी कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच। असल